वेलकम बैक दोस्तों, मैं पीयूष यादव और आज हम चलाने वाले हैं इंदौर पुणे एक्सप्रेस, जो कि इंदौर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 से जाएगी। हमें लोको मिला है अमूल रेड 5, इसका रोड नंबर है 30052। चलिए इंजन को स्टार्ट करके हमारी जर्नी को शुरू करते हैं। और हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका है, सिग्नल भी हमारा ओके है, तो विसिल मार के और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टीम हॉर्न, स्टीम टाइप का हॉर्न मतलब, और पास ही में प्लेटफार्म पर कोई सी ट्रेन खड़ी हुई है जिसमें कि शंटिंग इंडेंट इंजन WDS6 लगा हुआ है। फॉरवर्ड लगा के गाड़ी आगे बढ़ा, ब्रेक रिलीज हो चुके हैं हमारे मतलब ट्रेन के। ये व्यू अच्छा रहेगा। हमारा जो अगला स्टॉप है वो देवास जंक्शन है और देखते हैं, कोशिश यही रहेगी कि हम रतलाम तक गाड़ी को ले जाएं, क्योंकि रतलाम मेरा होम टाउन है। और ये इंदौर जंक्शन, सब निकल गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है, सिग्नल हमारे ओके हो चुके हैं और लिमिट जो है 120 के, तो हम ऑटो पायलट मोड पर डाल देते हैं गाड़ी को। ऑटो पायलट जी बहुत ही बढ़िया ड्राइव कर लेते हैं, हमसे भी अच्छा, क्योंकि हम ओवर लिमिट ज़्यादा करते हैं, ओवर स्पीडिंग ज़्यादा करते हैं। और देखना ये होगा कि किस की ट्रेनों से हमें क्रॉसिंग होता है, तो उज्जैन तक तो सिंगल लाइन है, तो क्रॉसिंग के लिए हो सकता है हमें रोका भी जाए या हमें निकाला जाए और किसी ट्रेन को रोका जाए, क्योंकि उज्जैन तक सिंगल लाइन है। उसके बाद रतलाम तक, पुणे तक ड्यूअल लाइन रहती है। और जैसा कि पहला क्रॉसिंग आ रहा है उज्जैन इंदौर पैसेंजर ट्रेन होगी शायद, तो अभी हम लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन को क्रॉस करेंगे। बढ़िया ट्रैक साउंड आ रहा है। और जो भी ट्रेन आ रही है या तो एल्को के साथ है या EMT के साथ है, और मुझे लग रहा है एल्को के साथ ही है, क्योंकि जो साउंड आ रहा है हॉर्न का वो एल्को का ही है। देखते हैं कौन सा इंजन होता है। शायद WDM 3D है और पैसेंजर ट्रेन ना ही है, ड्यूअल WDM 3D के साथ BT पिन रेक क्रॉस कर रहा है। हालांकि इस रूट पर मेरी जर्नी ज़्यादातर होती है और इस रूट पर बहुत ही कम फ्रेट ट्रेनें मैंने देखी हैं। ये इंदौर का
शेड जहाँ पर मतलब कोचिंग डिपो है इंदौर का, जहाँ पर कोच को रिपेयर किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है, और यहीं पर गाड़ियों के रेक भी रखे होते हैं। ये एक्ट अपूर्व सोनी जी का है। देखते हैं किस तरह का ट्रैफिक मिलता है इस एक्ट में हमें। और बहुत देर से हमने हॉर्न नहीं मारा है, तो चलिए हॉर्न लगा देते हैं। और मेरा फेवरेट लोगो अमूल वेब 5 जो कि इसमें लगा हुआ है। थोड़ी देर हम इसे ऑटो पायलट जी को चला देते हैं, फिर हम इसे ड्राइव करेंगे। आगे वाले गेट पे चलते हैं। लिमिट 45 की ही है। डिफरेंट लोगों खड़े हुए हैं यहाँ पर, और कोच भी खड़े हैं। और ऐसा दिख रहा है कि दो ट्रेनें जो कि लक्ष्मीबाई नगर में खड़ी हुई हैं, क्योंकि इंदौर के बाद जो अगला स्टेशन होता है वो लक्ष्मीबाई नगर ही होता है। और एक तो फ्रेट ट्रेन है, शायद दोनों ही फ्रेट ट्रेनें हैं, एक BTPN रेक के साथ है और दूसरा देखना होगा कि इसके साथ। लिमिट 45 की दी हुई है, क्योंकि ये एरिया कुछ इसी टाइप का है, मतलब लिमिट इसी टाइप की है यहाँ पर। और इंदौर पुणे एक्सप्रेस इंदौर से 3 या 3:30-4 बजे करीब चलती है। और ऐसा लग रहा है जैसे हमसफर एक्सप्रेस को खड़ा किया गया है लक्ष्मीबाई नगर में। जी हाँ, हमसफर एक्सप्रेस खड़ी हुई है और देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमसफर एक्सप्रेस की प्रायोरिटी कम है और इंदौर पुणे की ज़्यादा है। और ये दो ट्रेनें BTPN रेक और बॉक्सनल रेक वेक 9 के साथ। देखते हैं हम सफ़र में कौन सा लोको लगा हुआ है। शायद एल्को लगा हुआ है, ड्यूअल WDM3 है, ड्यूअल WDM3 लगा हुआ है। और आश्चर्य तो हो रहा है कि इंदौर पुणे को पहले प्रायोरिटी दी गई है। लिमिट 45 से बढ़ नहीं रही है, हालांकि अब बढ़ेगी, 130 की लिमिट आने वाली है। और देवास स्टेशन से हम करीब 13 किलोमीटर दूर हैं अभी। थोड़ा सा गेम लैग होता हुआ चल रहा है। और इस एक्टिविटी के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में इसे हमें लक्ष्मीबाई नगर में जो शेड है उससे शंटिंग करके प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगाना है। और ये एक्टिविटी का पार्ट 2 है, मतलब जो आप एक्टिविटी डाउनलोड करेंगे तो उसमें सेकेंड पार्ट में है कि जिससे आप इसे आपको इंदौर से लेकर BRC वडोदरा तक ले जाना है। और लगता है कोई ट्रेन क्रॉसिंग होने वाला है किसी ट्रेन से। और ऑटो पायलट जी ने भी स्पीड अप कर दिया है वेक 7 के साथ। BTPN रेक, सॉरी बॉक्सनल रेक है। और ये देखिए फाटक बंद होने के बाद भी गाड़ियां निकल रही है, बस यही चीज बुरी लगती है बस केस में।
सॉरी ओपन रेल चल रहा है, MSTS हम कहता हूँ क्योंकि इसमें एरर की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। वैसे तो ये रूट ड्यूअल नहीं है, लेकिन ये क्या पता ड्यूअल ट्रैक किस टाइप से है, क्योंकि मैं बहुत सी बार जर्नी कर चुका हूँ इधर इस रूट पे, तो इस ट्रैक पर ड्यूअल रूट ड्यूअल ट्रैक है नहीं इस रूट पर। खैर हमें तो एंजॉय करना है। बहुत ही बढ़िया ट्रैक साउंड, और सिग्नल येलो होते हुए दिख रहे हैं, लक्ष्मीबाई नगर अब आया है। हालांकि इतना डिस्टेंस नहीं है दो रोड लक्ष्मीबाई नगर में जितना इसमें दिखा दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस लंबा डिस्टेंस हो गया है। अब यहाँ से रतलाम के लिए एक अलग रूट कटेगा, मतलब रतलाम के लिए यहाँ से दो रूट हैं। अब हम जिस रूट पर जाएंगे वो भी रतलाम ही जाएगा, बट वो उज्जैन होकर जाएगा, और ये जो एक रूट और कटेगा यहाँ से वो फतेहाबाद होता हुआ बड़नगर, फतेहाबाद होता हुआ रतलाम जाता है। हालाँकि फतेहाबाद बड़नगर होते हुए रूट छोटा पड़ता है, और ये रूट थोड़ा बड़ा पड़ता है क्योंकि उज्जैन होकर जाना पड़ता है। और MSTS में वैसे तो ये रूट है नहीं जो जिसका मैं बोल रहा हूँ, फतेहाबाद चंद्रावती जंक्शन वाला रतलाम और नीमच वाला भी कोई रूट नहीं है। हो सकता है कोई ना कोई कभी ना कभी आएगा फ्यूचर में। ये शायद जो रूट है ये अलग हो गया है रतलाम लाइन का, और अब हमें शायद सीधा रूट जो अब हम आ गए हैं उज्जैन लाइन पर, देवास उज्जैन लाइन पर। फिलहाल हम उज्जैन से 7 किलोमीटर दूर हैं, और लिमिट 55 किलोमीटर पर आवर की मिली हुई है। अनादर स्प्रिंट ट्रेन इसे रोककर हमें निकाला गया है कि, और सामने से एक और ट्रेन आ रही है जो कि वेक 7 के साथ है, वेक 7 के साथ BCNHL रेक और मांगलिया गांव पावर प्लांट। और ये पावर प्लांट है लिमिट बहुत ही कम हो चुकी है, और करीबन 6 किलोमीटर दूर देवास है। ये मांगलिया गांव पावर प्लांट में जाने के लिए ट्रैक शायद यहीं पर कोयले वेले खड़ी होते हैं। वैसे दोस्तों मैंने बनाना की सोची थी वीडियो, एक पीटी पेन ऑयल ब्रेड की जो कि रेल इंडिया का था, बट फिर बाद में सोचा वेस्टर्न रेलवे वर्जन 6 पर इंदौर पुणे की एक्टिविटी बनाई जाए अपने होम टाउन तक।
और लिमिट 120 की होने वाली है। और जैसा कि हम राइट टाइम पर डिपार्ट कर लिए थे और देवास स्टेशन पर हमारा अराइव टाइम में 2:43:01। तो वैसे तो हम राइट टाइम चल रही गाड़ी, और हम चाहेंगे भी कि नहीं गाड़ी डिले हो, क्योंकि डिले में क्या मज़ा नहीं आता। और इसी के बाद जो है अवंतिका एक्सप्रेस होती है पीछे लाम के लिए, उज्जैन रतलाम के लिए अवंतिका एक्सप्रेस। तो 120 की लिमिट आने वाली, लेकिन देवास स्टेशन भी हम आ ही चुके हैं करीब करीब, और लिमिट 120 की आ गई है। ऑटो पायलट जी ने स्पीड अप करना चालू कर दिया है। काफी देर हो गई हॉर्न नहीं बजाया। और हमारे लोको पायलट जी लगे हुए काम पर, हम तो खैर असिस्टेंट लोको पायलट हैं, सब काम इन्हीं के हाथ में। ऑटो पायलट जी हम तो सिर्फ सिग्नल देख रहे करते हैं, सिग्नल देख रहे हैं और हॉर्न बजाने का काम कर रहे हैं। हमारा जो सिग्नल है अगला येलो आ रहा है, तो देवास आ चुकी है गाड़ी। तो ऑटो पायलट मोड से निकाल दिया गाड़ी को, अब हम ही चलाएंगे। लगता है एल्को के साथ कोई ट्रेन आ रही है, शायद फ्रेट ट्रेन है। और सिग्नल रेड बता रहा है, ये कैसे हो सकता है? पीटीपीएन के साथ ड्यूअल डब्ल्यूडीएम, ये कैसा साउंड है भाई? हमारी पहले ही रुक गई है। तो फाइनली हम देवास स्टेशन आ चुके हैं। ब्रेक लगा देते हैं क्योंकि सिग्नल ज़्यादा दूर नहीं है। ब्रेक लगा दिए हैं हमने, बड़ी तेजी से ब्रेक लगे हैं और व्हील स्लिप हो रहा है। और हमारी पूरी गाड़ी भी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, तो हालांकि गाड़ी लेट हो चुकी है। चलिए कवर करते हैं, 28 किलोमीटर बाद उज्जैन है। और ऑटो पायलट पर डालते ही ऑटो पायलट जी ने सिग्नल देखते ही गाड़ी को आगे बढ़ा दिया है। डबल ले लो। बहुत ही बढ़िया ट्रैक साउंड आता हुआ।
55 की लिमिट है, 120 होने वाली है, 28 किलोमीटर दूर उज्जैन से। तो लीजिए हम आ गए हैं केबिन के अंदर और लोको पायलट जी अपना काम बखूबी निभाते हुए। ये हमारी सीट जिसपे सिर्फ एक हॉर्न और स्पीडोमीटर लगा है। चलिए चलते हैं बाहर केबिन के। और ये जो लाइन जा रही है ये भोपाल मक्सी होते हुए भोपाल जाएंगी। शायद इस लाइन पर उज्जैन नहीं आता है, शायद, मुझे भी कंफर्म नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ट्रैफिक तो अच्छा आ रहा है और एक और शायद फ्रेट ट्रेन, अभी तक पैसेंजर ट्रेन तो कोई क्रॉसिंग हुआ नहीं है, उम्मीद है ये पैसेंजर ट्रेन होगी। देखते हैं, हम भी हॉर्न बजाते हुए क्रॉस करेंगे इसे। और शायद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है और वेब 4 लग रहा है। जी नहीं, वेग 7 के साथ मालगाड़ी है, फ्रेट ट्रेन ही है वेग 7 के साथ, ये भी ड्यूअल वेग 7, ड्यूअल वेग 7 और बॉक्सनल वेग विथ कोल। और जैसा कि दोस्तों मैंने इसी रूट पर 19330 वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस का एक एक्ट बना रहा हूँ जो कि कंप्लीट होने ही वाला है, बहुत जल्दी मैं उसे प्ले भी करूँगा और होगा तो अवेलेबल भी करवाऊँगा उसे। पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट कोशिश पूरी है कि बन जाएगा बहुत जल्द। और आपने सुना ही होगा इंदौर उदयपुर जिसे बोलते हैं इंदौर उदयपुर, उसका नाम वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस। देखते हैं कब तक मैं वो बना के अवेलेबल कर पाता हूँ। और ये हमारा पैसेंजर व्यू, बहुत ही बढ़िया ट्रैक साउंड आ रहा है। हालांकि हम यहाँ नहीं आए थे क्योंकि पैसेंजर व्यू पर नहीं आए, बट बहुत ही बढ़िया हॉर्न साउंड आ रहा है। क्रॉस कर रहे हैं मताना बुजुर्ग, यही अच्छा नाम है। बहुत ही बढ़िया ट्रैक साउंड आ रहा है। बहुत जल्दी हम विक्रम नगर में आ गए हैं और उज्जैन से मात्र 12 किलोमीटर डिस्टेंस है और महाकाल की नगरी बहुत जल्द आने वाली है। मत जाओ भाई, तो पुणे 120 की स्पीड पर आ रही है। हम उज्जैन आ ही चुके हैं, उज्जैन इंदौर, और एक और ट्रैफिक ट्रेन आती हुई और ये एल्को या EMT के साथ है, देखते हैं कौन सी होती है।
4 ये भी ड्यूअल WDM 3D के साथ फ्रेट ट्रेन ही है। पीटी पेन ऑयल है, पीटी पेन रेक। चलते हैं हम हमारे पैसेंजर व्यू पे। तो दोस्तों महाकाल नगरी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और उज्जैन आने में सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी है। लाइन टू भोपाल इटार से जबलपुर और लाइन टू इंदौर एंड देवास, तो यहाँ से दो अलग अलग लाइन हो जाएगी। अब उज्जैन से भोपाल इटार सी रूट अलग हट जाएगा और क्लब रूट अलग हो जाएगा, और ये लाइन जिसका नाम आ रहे हैं वो तो ही सही। हमारी लिमिट 45 की हो चुकी है। लिमिट और उज्जैन आ चुका है। पता ही नहीं पड़ा हम बहुत ही जल्दी उज्जैन आ गए। और उज्जैन से मात्र 3.6 किलोमीटर दूर पूरी जो लाइन जा रही है भोपाल इटार से जबलपुर की ओर जा रही है। सिग्नल रेड है, मतलब कोई भी गाड़ी उज्जैन की तरफ से तो नहीं जा रही है, उधर से कोई आ रही हो तो वो पता लगे। देख लेते हैं सिग्नल कौन सा है। रेडी है सिग्नल, मतलब सिर्फ हमारी गाड़ी अराइव कर रही है उज्जैन में। तो लीजिए हम महाकाल नगरी में एंटर कर चुके हैं और आज के लिए हम एक्टिविटी उज्जैन तक ही करेंगे। इसका पार्ट टू सेकेंड जो आएगा वो हम उज्जैन से रतलाम तक चलाएंगे इंदौर पुणे का। हालांकि इस राइड में मज़ा आया, लेकिन देखने वाली बात यह रही कि एक भी पैसेंजर ट्रेन ने हमें क्रॉस नहीं किया और जितनी भी ट्रेनों से हमारा क्रॉसिंग हुआ सब फ्रेट ट्रेनें थी। ओहो, ये क्या बात है। ये अनोखा है भैया, एक्सीडेंट हो जाना चाहिए था ऐसे तो ट्रेन का, क्योंकि जो पोल था वो पूरा लाइन पर आ चुका था। उज्जैन आ चुके हैं, लिमिट 85 होने वाली है उज्जैन के एंट्रेंस के दौरान, ये भी देखने वाली बात है। उज्जैन जंक्शन, देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पर हमें लगाया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गाड़ी अराइव करेगी। कॉलिंग वन सिग्नल येलो। और यहाँ से अगला स्टॉप डायरेक्ट नागता होता है और नागता से सीधा रखता है। तो उज्जैन से लेकर रतलाम तक की जो जर्नी होगी हम अगले पार्ट में करेंगे और शायद रेक 9 के साथ बॉक्सनल रेक विथ कोल फ्रेट, शायद ये जबलपुर इटारसी की ओर जा रहा है और बहुत ही स्पीड में ड्यूअल वैक 7 लगा हुआ है। ऑटो पायलट मोड से हटा देते हैं हम गाड़ी को। तो
तो पायलट जी ने स्पीड अप करके छोड़ दिया और अपने से ही हटाया गाड़ी को ऑटो पायलट मोड से। और शायद कोई ट्रेन अराइव करी है, मालगाड़ी है जो कि अराइव हुई है उज्जैन स्टेशन पर रतलाम की ओर से। और ये कौन सी गाड़ी, कोई सी गाड़ी खड़ी हुई है, मुझे इस की पता नहीं लगेगी। इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही स्लो है, मैं पूरा देखते हैं पूरी गाड़ी, अभी पूरी गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है। We welcome the passengers at Agra Bank Station. कृपया ध्यान दीजिए। पूरी गाड़ी अंदर इंटर हो चुकी है तो चलिए फुल ब्रेक लगाकर गाड़ी को स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों हम उज्जैन आ चुके हैं, 4 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर, 5 मिनट का, और आगे की जर्नी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।